मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर युवा कांग्रेस द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमीज खान ने युवाओं को मकर संक्रांति की बधाई दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर जहां पूरे इंदौर में पतंगबाजी का माहौल रहा, वहीं दूसरी तरफ युवा कांग्रेस द्वारा भी पतंग महोत्सव मनाया गया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमीज खान व उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर पतंगबाजी भी की। मीडिया से चर्चा में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमीज खान ने बताया कि युवा कांग्रेस द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके चलते पतंग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से अवगत करवाया गया। वहीं पतंग के माध्यम से केंद्र सरकार पर तंज भी किया। युवा कांग्रेस की तरफ से पहले तो शहर के सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 198वें जन्मदिन पर विवेकानंद जी के युवा कांग्रेस ने तय किया था कि वो युवा सप्ताह बनाएगी। बीच हमारे संक्रांति जैसा पर्व आया, इसी को शामिल करते हुए हमने दोनों एक्टिविटी को मर्ज करते हुए एक प्रोग्राम करा कि यहाँ पर हम युवा कांग्रेस पतंग उड़ाएगी, जहाँ पर एक तंज केंद्र सरकार पर और विवेकानंद जी के विचारों से लोगों को अवगत कराते हुए ये कॉमन एक्टिविटी प्लान करी गई थी हमारे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। यूथ कांग्रेस के द्वारा एक युवा सप्ताह बनाया जा रहा है, इसके चलते आज तीसरा दिन है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी युवाओं को विवेकानंद जी के विचारों और इस सप्ताह को जिस वजह से बनाया जा रहा है, उन विचारों को आम करने के लिए ये गैदरिंग 7 दिन तक चलती रहेगी किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से। आज संक्रांति का त्यौहार है, सभी यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आम जनता और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इस पतंगबाजी का लुत्फ ले रहे हैं। बहरहाल देखा जाए तो इस मौके पर जहाँ कांग्रेस नेता भी शामिल हुए, वहीं चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करने का भी आह्वान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।